आप देख रहे हैं आर्ट लाइन यूट्यूब चैनल। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं हर एक स्टूडेंट का काम जो है जो वो क्लास में करते हैं घर में करते हैं आप तक शेयर करूं, ताकि देखने वाले जो बिगनर्स हैं या जो आर्ट करना चाहते हैं सीखना चाहते हैं उनको आप जो पहले काम देख के तो यकीनन एक मोटिवेशन भी मिलती है। तो वैसे भी जो आर्टिस्ट सीख रहे हैं बन रहे हैं उनके काम को प्रमोट करना मेरा ये ख़ास एक मकसद है। तो आज मैं अपनी एक स्टूडेंट जिनका नाम है महताब, पहले भी उनका काम शेयर किया था लेकिन आज मैं बड़ी डिटेल से महताब का काम आपको दिखाऊंगा। तो ये आप देख रहे हैं कि उन्होंने एक पेंसिल स्केच बनाया हुआ है, तो ये एक छोटा एक कोई वाज है और उसके अंदर सूखी टहनी है और आगे एक प्याज पड़ा हुआ है, ये स्टिल लाइफ है। नेक्स्ट ये देखते हैं कि एक आई आपको बनी हुई नज़र आ रही है और इसके साथ ही एक वाज एक बना हुआ है और ये इनका पुराना काम है नोज, ये आप देख रहे हैं। नेक्स्ट तो ये एक प्रोपोर्शन से इन्होंने एक बाबा जी बनाए हुए हैं जो टेक लगा के बैठे हुए हैं, ये ओनली स्केच है पेंसिल स्केच। नेक्स्ट करें आप, ये देखें जी एक और रनिंग कर रहा है कोई लड़का, ये उसका स्केच है, ये सारा प्रोपोर्शन से इन्होंने काम किया हुआ है। ये आप देख रहे हैं कि ये एक सोफ़ा और उस पर ऊपर बंदा बैठा हुआ है और ये भी एक स्केच है विदाउट शेडिंग और ये भी प्रोपोर्शन से, ये सारा का सारा इनका काम जो प्रोपोर्शन से है। नेक्स्ट करें जी और ये देखें दो हाथ जो दोनों इन्होंने बांधे हुए हैं और ये देखें ये भी स्केच है इनका। नेक्स्ट करें जी ये देखें जी ये नोज़ के मुख्तलिफ डायरेक्शन में आप देख रहे हैं और ये इन्होंने शेडिंग भी की हुई है लेकिन ये स्मूथ शेडिंग नहीं है लेकिन स्केच है। स्केच पे ज़्यादा मैं अपने हर स्टूडेंट को कहता हूँ कि अपने स्केच पे ज़्यादा फोकस रखें। ये देखें ये लिप्स और इसके मुख्तलिफ आप एंगल देख रहे हैं लिप्स के और दांतों के और ज़ुबान के मुख्तलिफ आप देख, और ये बहुत अच्छी ड्राइंग इन्होंने बनाई हुई है। नेक्स्ट करें जी ताकि हमारे देखने वाले, और ये इन्होंने पेंसिल कलर में इनका ये पहला पेंसिल वर्क था जो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देखते हैं कलर पेंसिल के साथ। नेक्स्ट करें और ये देखें फिर आई के मुख्तलिफ एंगल्स में आप देख रहे हैं आई बनी हुई है। ये देखें जी एक इन्होंने पेंसिल स्केच विद शेडिंग जो है इन्होंने बनाया, ये इनका पहला स्केच है, ये आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन के ऊपर। और एंजेलिना जोली हैं जी यही नाम है ना, हाँ जी ये उनका स्केच है। नेक्स्ट करें और ये एक टोप बास्केट और उसके अंदर कुछ फ्रूट पड़ा हुआ है आपको नज़र आ रहा है, ये पेंसिल वर्क है और हैचिंग थोड़ी हल्की हल्की इन्होंने की हुई है, ये स्मूथ शेडिंग नहीं है बल्कि हैचिंग की हुई है क्रॉस हैचिंग है इसके अंदर। और ये देखें ये भी एक स्केच है, ये भी आप देख रहे हैं हाँ जी ये प्रोपोर्शन से ही इन्होंने किया हुआ है, वेरी गुड जी। नेक्स्ट दिखाएं जी, ये देखें जी एक फेस फिर पेंसिल वर्क में इन्होंने किया हुआ है, ये काफ़ी अच्छा है इनका ये स्केच भी। नेक्स्ट दिखाएं जी, ये एक बहुत ही खूबसूरत इन्होंने अच्छा किया है, मैंने इनको शाबाश भी दी थी इस फेस भी ऊपर क्योंकि इन्होंने एक बहुत अच्छी इसकी वो शेडिंग भी की हुई है और ये कुछ कुछ स्मूथ भी नज़र आ रही है और कुछ हैचिंग भी नज़र आ रही है और बाल भी इन्होंने बड़े और एक लाइट सा फेस था जो मैंने इनको दिया और इन्होंने बड़ा अच्छा बनाया और बहुत अच्छा काम किया है। तो अगर कुछ और है तो महताब हमें दिखाएं। ये देखिए ये तो आप देख चुके हैं पहले वाली वीडियो में भी लेकिन एक दफ़ा चलें फिर देख लें ज़रा ये जल्दी दिखा दें क्योंकि हमारे जो देखने वाले इसको पहले देख चुके हैं, ये सारा इनका काम है, ये देखें ये सारा महताब ने किया है। और महताब ने मुझे कहा कि मेरी अम्मी का नाम ज़रूर बताएं, ये पहले वीडियो में बताया था कि इसकी इनकी अम्मी आर्टिस्ट हैं तो यकीनन वो अपनी बेटी का काम ये देख के खुश होंगी और वो हमारी वो उन बहन से मेरी दरख्वास्त है कि ये वीडियो देख के और लोगों से भी शेयर करवाएं, मैं देखूंगा कि मेरे शेयर जो है
बढ़ते हैं सब्सक्राइबर। और ये एक नया आज का काम है, ये इन्होंने जो बनाया है, ये पेंसिल शेडिंग है, कलर पेंसिल वर्क है सारा इनका, और ये बहुत अच्छा काम किया हुआ है। तो मैंने यहाँ पे सिग्नेचर भी नहीं किया आज, मैंने कहा ये इनका कहीं पोर्ट्रेट मेरे सिग्नेचर की वजह से ख़राब ना हो जाए, तो ये बहुत अच्छा है। नेक्स्ट कोई है तो दिखा दे। तो ये था जी इनका सारा काम जो मैंने आपके साथ शेयर किया। तो ये देखें, हौसला अफजाई किया करें, जो नए आर्टिस्ट हैं वो इतनी मेहनत से करते हैं, आप सिर्फ 2-4-5 मिनट में वीडियो को देखते हैं और फिर उसको स्किप कर देते हैं। तो अगर आप अच्छे अगर कमेंट लिखेंगे तो इन आर्टिस्ट की हौसला अफजाई होती है, क्योंकि ये पूछते हैं फिर मुझसे, तो यकीनन आप इस हमारी इस काविश को, हमारी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट अच्छा सा लिखें, तो मेरी समेत इन स्टूडेंट्स की भी हौसला अफजाई होगी। अगले वीडियो तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।